अब शीघ्र ही अयोध्या चलो। प्रभु आप हनुमान के कंधे पर आरूढ़ हो जाइए, मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। राम भैया जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे शत्रुघ्न। राम भैया सारथी आगे बढ़ो। राम राम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये तो पिताश्री की पुकार है, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हनुमान शीघ्र ही नीचे चलो। जो आज्ञा प्रभु जी। अनुचित किया हनुमान ने। इस कृत्य के लिए हनुमान को अवश्य दंड मिलना चाहिए। राम भैया को हमसे दूर ले जाने का साहस भी कैसे किया तुमने हनुमान? इसका निर्णय सभा में होगा। एक वानर को उसकी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। जीजा श्री से कह के उसकी पूंछ काटने का दंड दिलवाऊंगा उसे राज्यसभा में। तुच्छ वानर। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अवध राज की चिंता हर कर सकुशल आए हनुमत रघुवर। राम को पाकर हर्षित है जन, आनंदित है रघुकुल नंदन। हनुमत बनकर संकट मोचन, बस गए राम लला के मन।
हर पल रखते राम का ध्यान, जय रघुनंदन जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज मुझे लगता है कि हनुमान के इस कृत्य का परिणाम और भी भयानक हो सकता है। मार्ग में राजकुमार राम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि राजकुमार के प्राण बच गए। अन्यथा अनर्थ हो जाता। इसीलिए हनुमान को राजकुमार राम के अपहरण का दंड मिलना ही चाहिए। किंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि हनुमान अभी एक अबोध बालक है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु अपराध का दंड तो बालकों को भी दिया जाता है, जिससे उन्हें सीख मिलती है। और यदि राजकुमार राम को राक्षसों के आक्रमण से क्षति पहुंचती, तो भी क्या आप यही कहते हैं? हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। हमारे राम के प्राण इसने संकट में डाल दिए, हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। इस कृत्य में हनुमान का उद्देश्य राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था। यदि राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती तो अवश्य ही ये गंभीर अपराध सिद्ध होता, क्योंकि राम राज्य के होने वाले युवराज हैं। अतः इस प्रकरण के विषय में न्याय सभा निर्णय लेगी, किंतु दंड का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हनुमान को वैद्यराज ने हमारे संरक्षण में छोड़ा इस आशा से कि हम हनुमान को अपने पुत्रों की भांति ही रखेंगे। वामदेव जी, आप और ये सब अष्ट सचिव अयोध्या के न्याय व्यवस्था के कर्णधार हैं, न्याय विशारद हैं आप सब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण के विषय में आप अपने विचार प्रकट करें। राजन, अपराध यदि गंभीर हो तो अपराधी की आयु या उद्देश्य की अपेक्षा अपराध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण में हनुमान अपराधी। हम वामदेव जी की बात से सहमत हैं। किंतु किसी भी अपराध के पीछे उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान का उद्देश्य राजकुमार को हानि पहुंचाना नहीं था, और इसका प्रमाण है राजकुमार की सकुशल वापसी। मैं हनुमान को अपहरण का आरोपी नहीं मानता। अपहरण करने वाला अपहृत व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आता। मेरी दृष्टि में हनुमान आरोपी नहीं है। मैं भी मान्यवर की बात का समर्थन करता हूं। मैं यहां
कुमार युधाजीत की बात को पुनः कहना चाहता हूँ। यदि राक्षसों के आक्रमण से राजकुमार को किसी भी तरह की क्षति पहुँचती तो क्या आप सबका विचार यही होता? हनुमान के इस कृत्य को अपहरण नहीं कह सकते, किंतु अपराध अवश्य हुआ है और अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। सभी बालक इस प्रकार की भूल करते हैं जब माता पिता उन पर अपने नियमों के बंधन थोपते हैं। हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु प्रश्न राम की सुरक्षा का है। वो राज्य के होने वाले युवराज हैं। पुत्र राम, तुम इस विषय में कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो। आयुष्मान भव। पिताश्री, हनुमान ने मेरा कुछ अहित नहीं किया है, ना ही मेरे साथ बल प्रयोग किया है, किंतु ये सत्य है कि हनुमान इस राज्य के नियमों के विरोध गया है। अतः न्याय मंडल एवं आपके विधान के द्वारा ही हनुमान के लिए दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि संपूर्ण सत्य को जाने बिना किसी भी प्रकार की राय नहीं बनानी चाहिए। जीजा श्री, हमारे भांजे राम का हृदय उदार, परंतु इस सत्य को भी ध्यान में रखा जाए कि हनुमान ने माया से अपना आकार बढ़ाकर मंथरा और बाकी सभी बालकों को भी भयभीत कर दिया। किंतु मामा श्री, भी भयभीत नहीं हुई थी। हाँ, हमें तो आनंद आ रहा था, भय नहीं लगा। महाराज, यदि ये सत्य है तो हनुमान यहाँ इस राज्यसभा में अपना आकार बढ़ा कर दिखाए। तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। क्या हुआ हनुमान, कोई दुविधा है क्या? महाराज, माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि यह कारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। ये अकारण नहीं है हनुमान, ये न्याय सभा में उठाया गया एक प्रश्न। कुमार युद्धजीत, सभा में जिस आरोप पर चर्चा हो रही है उसी पर स्थित रहिए, उसे किसी अन्य दिशा में मोड़ने का यत्न मत कीजिए। जीजा श्री, आप इस राज्य के राजा हैं, आपको अपने न्याय से सबको सीख देनी चाहिए ताकि ऐसा करने का साहस कोई पुनः ना कर सके और ये सबके लिए उदाहरण बन जाए।
बिना किसी की अनुमति लिए प्रभु जी को यहाँ से ले जाना अनुचित था। इस अपराध के लिए आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, स्वीकार कर लिया मूर्ख बालक, अब तो इसे अवश्य दंड मिलेगा। हनुमान, नियम के अनुसार मैं तुम्हें वही दंड दूंगा जो यदि तुम्हारे स्थान पर मेरा पुत्र होता तो उसे भी देता। नियम तो कहता है कि राजकुमार को इस प्रकार ले जाने का दंड बहुत कठोर होना चाहिए, किंतु अपराध का उद्देश्य एवं हनुमान की आयु को ध्यान में रखकर मैं ये आदेश पारित करता हूं कि मेरे अगले आदेश तक हनुमान का महल में प्रवेश वर्जित होगा। और हनुमान महल के बाहर अतिथि गृह में निवास करेगा। ये राम से तो दूर रहेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजकुमारों, ये लड्डू आप सबके लिए। जी राम भैया, ये लड्डू आपके लिए। तुम दो शत्रुघ्न, मेरा अभी मन नहीं है। राम भैया, क्या हो गया है आपको? भैया हनुमान को दिए गए दंड के बारे में सोचकर दुखी है, किंतु राम भैया कोई आपको हमसे दूर ले जाए हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक ही रहा जो हनुमान को दंड मिला, अब वो महल में तो नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण, मेरी उदासी देखकर हनुमान अपनी माँ के पास लौट कर नहीं गया, और मेरे लिए वो अपनी माँ परिजनों से दूर मेरे साथ यहीं रुकता। सोचो कितना प्रेम करता होगा वो मुझसे, किंतु दंड मिलने के कारण अब वो मुझसे दूर हो गया है। क्या बीत रही होगी उसके हृदय पर। प्रभु के प्रति मन में अनुराग, दूर हुए कैसा ये भाग्य, भक्ति का है ये कैसा फल, हनुमत होते चिंत विकल, भोले भक्त को
कैसे भूले भक्त के चित्र नयन में झूले, चिंतित हनुमत राम बिना, राम व्यथित हनुमान बिना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं राम भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी बातें हनुमान में मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मुझसे दूर होने का दुख तुम्हारी तरह हनुमान को भी हो रहा होगा। जो दुख स्वयं को पीड़ा देता है, उस दुख की कामना किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए। जी को बिना किसी की अनुमति लिए इतनी दूर ले जाना अनुचित ही था ना, किंतु जो दंड मिला हनुमान को वो तो बहुत ही बड़ा दंड है। मेरे प्रभु जी, मेरे आराध्य, उनसे दूर कर दिया हनुमान को। प्रभु से दूर नहीं, अभी तो उनकी सेवा करने आया हूँ, किंतु इस दिन के पश्चात मैं अपने प्रभु से कैसे मिल पाऊंगा। हनुमान, भोजन ग्रहण कर लीजिए, महारानी ने भेजा है आपके लिए। कभी भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं, मुझे अभी भोजन ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब इच्छा हो तब कर लीजिएगा भोजन। धन्यवाद। सखा, अब तुम देखना हनुमान ध्यान रखेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुचित हो, सबको प्रसन्न रखेगा हनुमान। प्रणाम माता। चिरंजीवी भावा। ये देखो, मैं तुम सबके लिए रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिका लाई हूँ। इन्हें धारण करने से बुरी शक्तियां सदैव दूर ही रहती हैं। और ये रक्षा सूत्र किकवी बांधेगी अपने प्रिय भाइयों के हाथों में। रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिकाएं कुल गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पूरित करके दी है। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब वो बचा हुआ रक्षा सूत्र मैं हनुमान को बांध के आती हूँ।
तुझे? अरे टांग पूछ कर टकरा गई इस बुढ़िया से। रुक, मैं उठाती हूँ। गिरा दिया रक्षा सूत्र को। क्षमा करे महारानी, अब क्या कहूँ आपसे? असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। मुझ बुढ़िया से तो इस भवन की सभी दासियां चिढ़ती हैं। अब इसे ही देखिए, जानबूझकर टकरा गई मुझसे। मैं तो देखने आई थी कि सभी राजकुमारों को और विशेष रूप से मेरे राम को रक्षा सूत्र बंध गया है कि नहीं। बंध गया रक्षा सूत्र। आज्ञा महारानी। मैं हनुमान को ये रक्षा सूत्र बांध के आती हूँ। रक्षा सूत्र बनवा दिया है उस दुष्ट ऋषि ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में। अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमें लंकेश को सब बताना होगा, वही कोई उपाय निकालेंगे। हमें अमावस्या से पहले राम को लेकर लंका जाना है। पहले मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया और अब सुमित्रा माता ये रक्षा सूत्र बांध गई। सखा, क्या प्रभु भी मेरी ही भांति व्याकुल हो रहे होंगे हनुमान के लिए? सखा, प्रभु को तो सारे भाई घेर के बैठे रहते हैं, उन्हें का समय है मुझे स्मरण रखने के लिए। देखो सखा, हनुमान तो बावला हो गया है। हनुमान जागा हुआ है तो भी उसे स्वप्न आ रहे हैं। प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। सखा, मुझे तो अभी भी प्रभु दिख रहे हैं। क्या हुआ मित्र हनुमान? प्रभु आए हैं भक्त के पास, भक्त को नहीं हुआ विश्वास। खुले नेत्र का सपना है क्या? पास में प्रभु अपना है क्या? खोए हनुमत स्वयं भुलाने, राम भगत का मन पहचाने। राम की माया राम ही जाने, भेद कौन इनका अनुमाने। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु आप यहाँ क्यों चले आए? आप मेरे दंड के लिए दुखी मत होइए हनुमान।
दंड तो हमें भी मिला है, तुमसे दूर हो गए हैं। किंतु प्रभु आप यहाँ क्यों आए? यदि आपको यहाँ देखकर कोई आप पर आपत्ति उठाए ये उचित नहीं होगा। हनुमान, पिताश्री का आदेश तुम्हारे महल में प्रवेश ना करने का था, मेरा यहाँ आने से रोकने का नहीं। अरे वाह, माँ के बनाए हुए लड्डू, इन्हें देखकर तो तिरुशुदा सताने लगी है हनुमान। तो आइए विराजिए। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। क्या हुआ हनुमान? प्रभु, हनुमान को भी तीव्र क्षुधा सता रही है। राम बिना हनुमान 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 बिना श्री राम। लो हनुमान। राम महाराज, प्रणाम महारानी जी। पुत्र राम, तुम यहाँ क्यों चले आए? पिताश्री, हनुमान हमारे अतिथि हैं और आपने ही तो सिखाया था कि अतिथि को वही सुविधा और सत्कार प्रदान करना चाहिए जो हम स्वयं उपभोग करते हैं। बस वही देखने मैं यहाँ चला आया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया राम। माँ, मैं तो ये भी कहना चाहता था कि मेरे अयोध्या से बाहर जाने में हनुमान की भांति ही मैं भी दोषी हूँ। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, हनुमान ने किसी से अनुमति नहीं ली थी ना, और मैं भी बिना किसी की अनुमति के अपने इच्छा से अयोध्या के बाहर गया था, तो मैं भी तो उतना ही दोषी हूँ ना। जहाँ बना है भगत का धाम, वहीं विराज रहे प्रभु राम। छोड़ के आए राज भोग सुख, कैसे देखे राम भगत दुख। भक्त समीप रहे यह भान, अतिथि मान का रखते ध्यान। जैसे एक कोख से जन्म, ऐसे जुड़े हैं राम हनुमान। राम, दोषी ना तो तुम हो और ना ही हनुमान। मैंने इस विषय में कुलगुरु वशिष्ठ, मंत्री और सलाहकारों के साथ चर्चा की और उनका निष्कर्ष था कि हनुमान ने कोई अपराध किया ही नहीं, अतः मैं हनुमान को आदेश देता हूं कि अब से हनुमान महल में मेरे पुत्रों की भांति ही रहेंगे। स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है युद्ध जी, बताइए तो किससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं आप मुझे? ओ
मृतदेह की दुर्गंध है, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताई थी। कुमार युद्धजीत, ये किससे मिलाने ले आए हैं आप मुझे? अंथरा, मैं तुम्हें यहां लंकापति रावण से मिलवाने लाया हूं। लंकापति रावण? लंकेश, क्या हुआ मंथरा? हमें देख कर ही हूं आश्चर्यचकित क्यों हो रही, या मैं तुम्हें दैत्यराज बली की बहन कहूं? के अवसर पर मैं तुम दोनों को अपने हाथ से लड्डू खिलाऊंगी। हनुमान आओ। जी पे क्या कह रहे? मंथरा दैत्यराज बली की बहन थी। हाँ मंथरा, तुम्हारा भाई राजा बली जिससे दान में मांग लिया था सर्वस्व, उस छलिया नारायण ने वामन अवतार धारण करके मरण तो है ना? अरे भाई, तीनों लोक का वैभव छीन कर उसे पाताल लोक में बसने के लिए विवश कर दिया था उस नारायण ने। उसका न्याय का प्रतिशोध लेने के लिए तुमने मंथरा के रूप में जन्म लिया है। उस नारायण के नर अवतार का राजपाट छीनने के लिए तुमने ये जन्म लिया है। किंतु मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के आप मुझसे क्या चाहते हैं लंकेश? मित्रता। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है, और वो नारायण मेरा वैरी है। आपका पराक्रम और वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध है लंकेश, किंतु जहां बल और छल नहीं चलता वहां चलती है हम जैसों की चतुराई। क्या चाहते हैं आप?
एक तुच्छ सा कार्य करना है तुम्हें। ज्येष्ठ दशरथ पुत्र के हाथ का रक्षा कवच तोड़ना होगा तुम्हें। शेष कार्य तो फिर मेरे सेवक पिशाच कर ही लेंगे। और इस कार्य के लिए रावण तुम्हें इतना सोना देगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की। ये भी हो सकता है कि युद्धजीत को मैं अयोध्या का राजपाट दे दूं, परंतु वो केवल कार्य सफल होने के पश्चात। माता, ये तो बड़े ही मधुर लड्डू हैं, जैसे मेरी माँ बनाती है ना लड्डू, बिल्कुल वैसे ही। जहां बड़ा होता है वहां सोना तुच्छ होता है लंकेश। ये मिट्टी के ढेले हैं मेरे लिए। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य, आपका शत्रु मेरा शत्रु। भूत पिशाच मित्र हो गए हैं तो ये रक्षा सूत्र क्यों? आपका कार्य हो जाएगा लंकेश, आज रात्रि में ही मैं दशरथ पुत्र राम का रक्षा सूत्र तोड़ दूंगी। और उसके कक्ष के बाहर जलती हुई मशाल संकेत होगा आपके पिशाचों के लिए। ले जाइएगा राम।
वानर भी इधर, कोई बात नहीं, ये दोनों निद्रा मग्न हुए और कौशल्या रानी गई कि बस, फिर वानर जान भी नहीं पाएगा कि राम कहाँ गया। सावधान रहो, मंत्रा का संकेत मिलते ही बिना एक पल गवाए उस दशरथ पुत्र को उसके कक्ष से उठा लाना है हमें। सो रहा है ये कौशल्या रानी को भी आज ही से यहां सुलाना था। कैसी निद्रा है दुष्ट की, किंतु इसे तो यहां से हटाना आवश्यक है। यही मंत्र भूखती हूं, राम का नाश राम के नाम से ही हो, दुख का हम आ जाए। की अनुमति दी है राम के कक्ष में सोने की नहीं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां सोते हुए देख लिया तो वो पुनः क्रोधित उठेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हें भवन से बाहर जाने का आदेश पुनः दे दे।
होगा कि तुम अपने कक्ष में सो जाओ। का रक्षा सूत्र ही तोड़ दिया, मुद्रिका भी हटा दी, अब क्या होगा? अब पिशाचों का मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। कौशल्या माता ने मुझे प्रभु के साथ सुलाया था, किंतु मंत्रा काकी ने, ये भी हो सकता है कि मंत्रा काकी सत्य कह रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि महाराज पुनः क्रोधित हो जाएं। ये तो रक्षा सूत्र है। प्रभु का रक्षा सूत्र हो सकता है ये। किंतु ये टूटा कैसे? कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है?
ज्येष्ठ पुत्र। लेकर जाना ही है। अच्छा, तो ये इन पिशाचों का प्रमुख है। इनका प्रमुख पकड़ा गया तो वो छुड़ाने के लिए चिल्लाएगा, सबको उसका आदेश मानना ही पड़ेगा। यही एक उपाय है पिशाचों को बाहर करने का। सखा अरे कोई छुड़ा मुझे दुश्मन। Huh?
वानर, छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा लहू पी जाऊंगा। अभी लहू बाद में पीना, पहले अपने प्रमुख को तो छुड़ा लो। अरे हमारे प्रभु को छोड़ दे वानर, पकड़ लो इसे, बच के न जाने पाए। हनुमान के रहते प्रभु की निंद्रा भंग करने चले थे। आ तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत दूर ले चलूंगा। तुमने भूल कर दी है, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है वानर। तुम तो हमें हमारे ही क्षेत्र में ले आए। तुमने भूल कर दी है, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है वानर। तुम तो हमें हमारे ही क्षेत्र में ले आए। है तो वानर बुद्धि मूर्ख चपल चंचल, स्वयं ही चलाया हमारा भोजन बनने। और तूने ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, ये साधारण धागा है, ये नकली है। पिशाचो, ये तो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि ये धागा नकली है। यदि असली होता तो तुम सब मेरे पास भी ना आ पाते और कर देते मेरे प्रभु की निंद्रा भंग। और अब मैं हनुमान करूंगा तुम्हारे अंग भंग। छोटा है किंतु साहसी है ये वानर। हमारे ही क्षेत्र में हमें चुनौती दे रहा है, वो भी बिना रक्षा सूत्र के। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।